हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए फोकस कैसे करते हैं ये हम स्वामी विवेकानंद जी से सीखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक किताब पढ़ रहे थे, तभी उनके घर के बाहर से एक बहुत बड़ी बारात निकली जिसमें बहुत सारे ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन जब बारात वहां से चली जाती है तो उसके बाद वहां पर एक आदमी आता है, पूछता है, स्वामी जी आपने यहां से कोई बारात जाते देखी क्या? स्वामी जी आश्चर्य से बोले, बारात? कैसी बारात? मुझे तो यहां से कोई बारात जाते नहीं दिखी। दरअसल इसका मतलब यह है कि जब स्वामी विवेकानंद जी जिस काम को कर रहे थे उस काम में वे इतना व्यस्त हो गए थे, इतना फोकस कर रहे थे उस काम में कि उन्हें कोई और अन्य चीज़ दिखी ही नहीं, और जो बारात में ढोल नगाड़े बज रहे थे उन्हें वो विचलित नहीं कर पाए। दोस्तों इसे ही कहते हैं फोकस। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई अन्य काम हो, उस काम के अलावा आपको कोई अन्य चीज़ ना दिखे और आप उस काम में पूरी तरह से डूब गए हैं, तो इसे ही फोकस कहते हैं। और आप किसी भी काम को अगर फोकस करके करते हैं तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप फोकस करके सफलता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके अंदर ये गुण होगा। अपने लक्ष्य पर डटे रहो, कर्म करो, आलस्य को त्यागो, चुनौतियों का सामना करो, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्र रहो, शक्तिशाली बनो, कमजोर नहीं, आत्म विश्वास को बनाए रखो, अपनी हर गलती से कुछ सीखो, दूसरों को दोष कभी मत दो, अपने मन को उदार बनाओ। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल प्राप्त ना हो जाए।